हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला यानी कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जब भी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसकी वजह से खुशी के साथ साथ काफ़ी परेशानियां भी उसकी ज़िंदगी में दस्तक देती हैं, जैसे कि बार बार सर दर्द होना, बार बार उल्टी आना, चक्कर आना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को काफी ज्यादा परेशान कर देती हैं, जैसे कि बैक पेन और टखनों का दर्द। टखने हम पैरों की एंकल को भी कहते हैं, जो कि गर्भवती महिला के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो के द्वारा कि आप गर्भावस्था के दौरान होने वाले टखनों के दर्द को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज्यादा देर तक खड़े रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 से लेकर 3 महीने की गर्भवती हैं तो आप ज्यादा समय तक खड़े हो सकती हैं और अपना काम भी आराम से कर सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर अगर आप 5 से लेकर 7 मंथ की या फिर 8 महीने की गर्भवती हैं तो आपको लंबे समय तक खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट बढ़ने की वजह से पूरे शरीर पर काफी दबाव पड़ता है। हमारी बैक बहुत ज्यादा दर्द करती है, बैक की वजह से हमारी पीठ दर्द होती है, और ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से पैरों पर फोर्स ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से भी टखनों का दर्द काफी हद तक बढ़ता चला जाता है। टिप नंबर 2, रात के समय जब भी हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर थकावट की वजह से हमारे कंधों में, पैरों में, हाथों में और कभी कभी हमारे सर में भी काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं और आपके टखनों में रात को सोते समय ही सबसे ज्यादा दर्द होता है तो आप रात को सोने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी के अंदर 30 मिनट के लिए डुबो दीजिए। ऐसा करने से ना केवल आपके टखनों का दर्द ठीक होगा बल्कि सारे दिन का सारा टेंशन भी रिलीज हो जाएगा। टिप नंबर 3, रात को सोते समय बाईं ओर करवट लेकर सोएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी गर्भवती महिला बाईं ओर करवट लेकर सोती है तो इसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर भी खून का प्रवाह सही होता है और बच्चा स्वस्थ रह पाता है, और ये आपके टखनों के दर्द को ठीक करने के लिए भी काफी इफेक्टिबल है। टिप नंबर 4, लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने की या फिर लेटे रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की या फिर लेटे रहने से आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी रात को हम एक ही करवट पर सोते रहते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसकी वजह से हमारी उसी करवट में सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना सोएं। हर 30 मिनट के अंदर या फिर हर 1 घंटे के अंदर अपनी पॉसिबिलिटी के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज करते रहें, यह आपकी पूरी बॉडी के अंदर दर्द को कम करने के लिए काफी सहायक है। टिप नंबर 5, मैंने आपको पहले की बहुत सी वीडियोस में ये बताया है कि अगर आप 5 महीने से ऊपर हो चुकी हैं, यानी कि 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, तो आपको हाई हील्स बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी चाहिए। कई बार हाई हील्स पहनने की वजह से ना केवल हमारी एड़ीज में बल्कि हमारे टखनों में भी काफी ज्यादा दर्द होता है, और क्योंकि अगर आप 5 महीने से ज्यादा की गर्भवती हैं तो उसकी वजह से हाई हील्स पहनने की वजह से आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हाई हील्स के नीचे कोई भी चमड़ा या फिर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, जो कि आपके पैरों की ग्रिप को फर्श के साथ बनाकर रखे। इसीलिए अगर आपका ध्यान हटता है और पैर स्लिप होता है तो उसकी वजह से आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। अगर आप गर्भवती हैं तो गलती से भी हाई हील्स की शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके टखनों में काफी ज्यादा दर्द होता है तो आप इन सारे टिप्स को आजमाकर उसे ठीक कर सकते हैं। मेरी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।